नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं खुशबू पांडे। तो सीधे आपको ले चलते हैं जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रोड शो कर रहे हैं। तो एक बड़ी जानकारी आ रही है, उसे आपको अपडेट करवाएंगे देहरादून से। ये बड़ी जानकारी, धामी कैबिनेट की अहम बैठक है आज। कैबिनेट में पेश होगा यूसीसी ड्राफ्ट, ये बड़ी और अहम जानकारी। बड़ा अपडेट, यूसीसी ड्राफ्ट पर कैबिनेट में होगी चर्चा। ड्राफ्ट को कैबिनेट हरी झंडी देगी। शाम 4 बजे कैबिनेट की बैठक होगी। 6 फरवरी को होगा विधानसभा में पेश यूसीसी। आपको ये बता दें कि सीएम धामी को सौंपा गया है यूसीसी पर ड्राफ्ट। रंजना प्रकाश देसाई ने सीएम को ड्राफ्ट सौंपा है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी से आपको अपडेट करवा रहे हैं। आज सीएम धामी कैबिनेट की बैठक करेंगे, इसमें कई मंत्रीगण शामिल रहेंगे। तो आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि ड्राफ्ट में 11 रिलेशनशिप को लेकर प्रावधान है। तो वहीं आपको बता दें कि संपत्ति खरीदने बेचने की एक व्यवस्था की गई है। इसमें उत्तराधिकारी बेटा बेटी के लिए समान व्यवस्था की गई है। तो वहीं तलाक के लिए सभी समान अधिकार भी दिया गया है। ड्राफ्ट में लिव इन रिलेशनशिप को लेकर प्रावधान, संपत्ति खरीदने बेचने की एक व्यवस्था, उत्तराधिकारी बेटा या बेटी के लिए समान व्यवस्था, तलाक के लिए सभी समान अधिकार, हिंदू और मुस्लिम सभी के लिए समान अधिकार, हलाला और इद्दत पूरी तरह प्रतिबंधित हो सकता है, शादी का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य हो सकता है, लिविंग के लिए पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन, ट्रांसजेंडर और धार्मिक मामलों से छेड़छाड़ नहीं, शेड्यूल ट्राइब और ट्रांसजेंडर से छेड़छाड़ नहीं, 300 से ज्यादा पेज का यूसीसी ड्राफ्ट, गोद लेने और उत्तराधिकार क्षेत्र शामिल। यूसीसी ड्राफ्ट में करीब 400 सेक्शन, विवाह, तलाक और मेंटेनेंस जैसे क्षेत्रों को कवर किया गया है। तो आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होगी और ये कैबिनेट की बैठक कई मायनों में खास रहने वाली है। आपको बता दें कि यूसीसी को लेकर आज ड्राफ्ट जिस तरह से तैयार किया गया, उसको आज कैबिनेट की बैठक में चर्चा की जाएगी। हर पहलू को ध्यान में रखते हुए यूसीसी को बनाया गया है। ये पुष्कर सिंह धामी की ओर से बीते दिन कहा गया था विशेष सत्र में ड्राफ्ट रखी जाएगी और इस पर विचार विमर्श किया जाएगा। 6 फरवरी को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है, जिसमें यूसीसी को लागू करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ये पहल अपने आप में काफी अहम है। वहीं आपको बता दें कि आज कैबिनेट बैठक में कई
बड़ी मुद्दों पर विचार विमर्श किया जाएगा, बड़ी बातें रखी जाएगी, लेकिन जिसमें से एक है यूसीसी। तो वहीं आपको बता दें कि देश में यूसीसी का पहला उदाहरण पेश करने जा रहा है उत्तराखंड। तो देहरादून से हमारे सहयोगी यशराज आनंद जुड़ चुके हमारे संवाददाता। यशराज, आज मुख्यमंत्री कैबिनेट की बैठक करने वाले हैं और आज यूसीसी को लेकर इसमें चर्चा होगी, क्या कुछ खास रहने वाला है? जी बिल्कुल, आज शाम में 4 बजे सचिवालय में कैबिनेट की बैठक मुख्यमंत्री के द्वारा की जाएगी, जिसमें तमाम कई मुद्दे को उठाया जाएगा, जिसमें सबसे प्रमुख मुद्दा जो आज का था वो अभी यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड समान नागरिक संहिता के मुद्दा पे उठाया जाएगा, जिसमें यूसीसी की ड्राफ्ट को मुख्यमंत्री आवास में पेश कर दिया गया था, जिस पर आज कैबिनेट में उसकी चर्चा होगी। और साथ ही साथ यूसीसी में यदि बात करें तो यूसीसी में जो चर्चा होगी इसमें सबसे बड़ी बात है कि सभी धर्म के लोगों के विषय में सारी बातों को रखा गया है, नजरअंदाज नहीं किया गया, साथ ही साथ महिलाओं के हकों की भी बात की गई है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि इसमें यदि आगे चर्चा की जाएगी कि इसको किस तरीके से सभी नागरिकों के लिए समान परिप्रेक्ष्य में लागू करना चाहिए, और आगामी पांच की तारीख से जो विधानसभा चुनाव हो रहा है इसमें किस तरीके से पटल पर रखा जाएगा, इसको लेकर चर्चाएं की जाएगी, ताकि विपक्ष को भी साथ रखने की बात की जा रही है। कैबिनेट बैठक में सभी मंत्री और मंत्री मौजूद रहेंगे, उसके बाद जब सदन पटल पर इसको विषय को रखा जाएगा तो सदन पटल पर यूसीसी को लेकर के ऐसी बात रखी जाए ताकि विपक्ष दल भी इससे सहमत हो जाए और निर्विरोध रूप से ये पारित हो जाए। इस प्रकार से यूसीसी को लेकर भी काम किया जाएगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि इस बैठक में नई आबकारी नीति भी लाई जाएगी, जिसमें आबकारी विभाग के द्वारा कुछ नई नियमों को लागू करने के विषय में बात की जाएगी। और तीसरी सबसे बड़ी बात है कि वन नियमावली भी लाई जाएगी, जिसमें वन संरक्षण और वन के अधिकारों के संबंधित बात की जाएगी, ताकि वन्य जीवों की रक्षा और सुरक्षा को लेकर भी बात की जाएगी। और साथ ही साथ अभी लगातार देखा गया था कि जंगली जीव पशु जो है दुर्बार शहरी क्षेत्रों में भी आ जाते हैं, तो आखिर इसका कारण क्या हो सकता है कि शहरी क्षेत्रों में ये आ जाते हैं, यशराज? सबसे बड़ी बात ये है कि विपक्ष लगातार हमलावर है। विपक्ष का ये कहना है कि जिस तरह से ड्राफ्ट तैयार किया गया है, यहाँ पर सबसे पहले विपक्ष को मुहैया कराया जाए ताकि वो देख सके, विपक्ष की ओर से ये लगातार कहा जा रहा है। प्रदेश अध्यक्ष किरण माला से भी मेरी बातचीत हुई, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि यूसीसी का ड्राफ्ट तो पेश कर दिया गया है, लेकिन यूसीसी के ड्राफ्ट पेश करने के बाद अभी तक कांग्रेस के पास यूसीसी का ड्राफ्ट नहीं पहुंचा है, बिना कांग्रेस की सहमति से ही वो ड्राफ्ट बना लिया गया और पेश कर दिया गया है। कांग्रेस का स्पष्ट रूप से कहना है कि यदि यूसीसी के ड्राफ्ट को बनाया गया और आप सर्वसम्मति से इसे पारित करना चाहते हैं तो कांग्रेस भी इसको ड्राफ्ट की रिपोर्ट सौंपनी चाहिए और कांग्रेस भी इसका स्टडी करेगा, और स्टडी करने के बाद इसमें से जो लगता है कि यह कार्यक्रम नियम नहीं होना चाहिए या इसमें और कुछ जोड़ने की बात कही जा रही है, हो सकता है जोड़ने की आवश्यकता हो उसे जोड़ी जाएगी। तो अध्यक्ष का और स्पष्ट रूप से कहना है कि यूसीसी में जो भी ड्राफ्ट पेश किए गए अभी तक कांग्रेस को उनको प्राप्त नहीं हुआ, कांग्रेस को जब प्राप्त हो जाएगा तभी कांग्रेस उस पर कुछ रुख अपना सकती है, लेकिन कांग्रेस इसके लिए बहुत अभी भी चिंतित है। और वो जो लगातार सदन में जो रखने की बात मांग की जा रही है प्रदेश भाजपा के द्वारा, तो जरूर लगता है ये जरूर है कि यूसीसी के मुद्दे को लेकर सदन में भी कहीं ना कहीं जरूर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। जी यशराज, 6 फरवरी को विशेष सत्र बुलाकर इसको पेश करने की कवायद शुरू की जाएगी, इसको लेकर क्या कुछ चल रहा है अभी, सरकार का अगला कदम क्या है? अभी यदि बात करें तो कुछ दिन पहले उप नेता प्रतिपक्ष भुवन चापड़ी से भी मेरी बात हुई थी, उन्होंने भी स्पष्ट रूप से कहा था, और किरण माला अध्यक्ष से भी मेरी बात हुई थी, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि सदन के चलने का जो सत्र है वो 1 साल में 60 दिनों का है, लेकिन यहाँ तो 5 दिन ही सत्र नहीं चलते और पूरे साल मिलाकर के भी 10 दिन का सत्र नहीं चलता है, तो सदन में सत्र चलने की अवधि को बढ़ाने की बात उन्होंने स्पष्ट रूप से कही। और दूसरी सबसे बड़ी बात है ड्राफ्ट के विषय में जो कहा है, तो ड्राफ्ट ये आना तो बिल्कुल ड्राफ्ट यूसीसी के मुद्दे पर वो एकमत है, लेकिन उनका कांग्रेस का स्पष्ट रूप से कहना है कि यूसीसी जो लाया जाएगा उसमें जिस तरीके से नाम है कि समान नागरिक कानून संहिता, मतलब सभी नागरिकों को समान अधिकार मिले, तो इस पर बात चर्चा होनी चाहिए। ऐसा ना होना चाहिए कि किसी विशेष वर्ग को इसमें ध्यान में रखकर उसके साथ ड्राफ्ट तैयार की जानी चाहिए। जी, बहुत शुक्रिया यशराज तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि यूसीसी ड्राफ्ट तैयार हो गया है, जिसको लेकर आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कैबिनेट की बैठक करेंगे और इस बैठक में कई मुद्दों पर विचार विमर्श किया जाएगा। उत्तराखंड में यूसीसी का ड्राफ्ट सीएम पुष्कर सिंह धामी को सौंप दिया गया है, जिसे उत्तराखंड सरकार कल होने वाली कैबिनेट में पेश करेगी।
जिसके बाद आगामी 6 फरवरी को विधानसभा में पेश किया जाएगा। उसके बाद उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता को लागू किया जाएगा। वहीं यूसीसी को लेकर पक्ष और विपक्ष के लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। यूसीसी हमारे संकल्प पत्र का आधार था और हमने जब जनता से वादा किया था कि जब हम सत्ता में आएंगे हम समान नागरिक संहिता को लागू करेंगे, और आज मुझे बताते हुए खुशी है उसकी कमेटी ने सबसे बातचीत करने के बाद अपना ड्राफ्ट सरकार को दे दिया है। अब ये ड्राफ्ट कैबिनेट के बाद विधानसभा पटल पर जाएगा। अच्छा है, इसका लाभ कांग्रेस भी ले, सर्वसम्मत से विधानसभा के अंदर वो पारित किया जाए, और जो चिंता कांग्रेस की है कि बीजेपी को उसका लाभ मिलेगा तो हम तो स्वागत करते हैं। कांग्रेस के सभी विधायकों से भी मेरा आग्रह अनुरोध है, देवभूमि से ये मैसेज पूरे देश में जाना चाहिए, और ऐसा मैसेज कि धीरे धीरे मुझे पूरा विश्वास है एक दिन लोकसभा के अंदर भी ये कानून का रूप देगा। सरकार को ड्राफ्ट मिला है, महत्वपूर्ण ड्राफ्ट है, और हम इंतजार कर रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि जैसा सरकार ने पहले किया वैसा नहीं करेगी। हमने जब ड्राफ्ट के लिए मीटिंग हो रही थी उसमें हमने प्रतिभाग करने के लिए कहा था, और हमने ये भी कहा था कि हमको इसका मसौदा दे दीजिए ताकि हम इस पर अपनी सार्थक पॉइंट्स को रख सकें, सुझाव दे सकें, पर सरकार ने ऐसा नहीं किया। और अब जबकि सरकार को ये मिल चुका है तो मैं चाहूँगा कि 24 घंटे के अंदर पक्ष और विपक्ष दोनों के सारे विधायकों तक इस ड्राफ्ट को पहुँचा दिया जाए, मुख्य विपक्षी दलों तक इसको पहुँचा जाए, सारे पत्रकारों को, बुद्धिजीवियों को इसको दिया जाए ताकि एक सार्थक बहस इस यूसीसी के ड्राफ्ट को लेकर प्रदेश में हो सके। वैसे ये यूसीसी जो है ये केंद्र का मुद्दा है, ये राज्य का विषय है ही नहीं, और अगर उत्तराखंड में लागू हो गया बगल में हिमाचल में लागू नहीं होगा, उत्तर प्रदेश में लागू नहीं होगा, हरियाणा में लागू नहीं होगा, दिल्ली में लागू नहीं होगा, तो ऐसे ड्राफ्ट का कोई फायदा नहीं मुझे लगता है। क्योंकि अमित शाह और नरेंद्र मोदी लगातार यूसीसी की बात करते रहे और 10 वर्षों में नाकाम रहे इसको देश में लागू करने में, आज ये केवल फेस सेविंग है। मैं बीजेपी और सरकार को दोनों को ये कहना चाहूँगा कि उत्तराखंड को गिनी पिग के रूप में इस्तेमाल करना छोड़ दें। जितने भी ऐसे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं उन सबको उत्तराखंड में लागू किया जाता है, जैसे दवा कंपनी दवा बनाने के बाद गिनी पिग्स में उसका टेस्ट करती है, वैसे ही सरकार बीजेपी की उत्तराखंड को गिनी पिग के रूप में इस्तेमाल करती है। मेरी चिंता एक और है कांग्रेस की कि जो हमारे संविधान के आर्टिकल 15 से लेकर 30 तक के हमारे आर्टिकल हैं जिनमें अलग अलग किस्म के अधिकार हमको दिए गए हैं, कर्तव्य बताए गए हैं, उन अधिकारों का इसमें कितना अतिक्रमण है। एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी और हमारे जो थारू बुक्सा जनजाति के लोग हैं उनके अधिकारों में कितना इसका अतिक्रमण होने जा रहा है, ये भी हमारे लिए एक चिंता का विषय है। और ड्राफ्ट को पढ़ने के बाद ही कांग्रेस निर्णय करेगी कि हमको क्या करना है। अगर ये राज्य हित में राष्ट्र हित में हुआ और किसी को परेशानी से नहीं है तो कांग्रेस साथ देगी, और अगर कांग्रेस को लगता है कि किसी को पीड़ित करने के लिए, किसी को प्रताड़ित करने के लिए या इससे राज्य का राष्ट्र का हित नहीं है तो कांग्रेस विपक्ष की अपनी भूमिका को निभाएगी और जोर शोर से इसका विरोध। देखिए मोटी लाइन ये है कि जो ये ड्राफ्ट है, जो हम समझ रहे हैं, जितना हमारी समझ में आ रहा है कि अब कोई किसी को, सबके कस्टम्स वैसे ही चलेंगे, सब अपने कस्टम्स को फॉलो करेंगे, निकाह वाले मुस्लिम जो हैं वो निकाह करेंगे, जो फेरे करते हैं वो फेरे करेंगे, सबके विवाह उसी तरह से होते हैं जैसे होते आए, कस्टम्स के साथ छेड़छाड़ नहीं होगी, लेकिन सबको अपने अपने निकाह अपने अपने विवाह को रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा। तलाक को भी कोई ऐसे घर में बैठ के तलाक नहीं दे पाएगा, अब घर में बैठ के निकाह नहीं कर पाएगा, अब उसे निकाह करने से पहले डॉक्यूमेंट्स के साथ उसे सबमिट करना पड़ेगा, और तलाक के वक्त भी आपको पहले सूचना देनी पड़ेगी, अगर आप बिना सूचना के कुछ काम करते हैं तो फिर आपके खिलाफ कार्रवाई की लाइनें रहेंगी। तो इसलिए एक जैसा कानून सबके लिए आएगा, बहन बेटियों को अब और ज्यादा संरक्षण मिलेगा, तब बेटियों के हिस्से में और ज्यादा ताकत आई है कि अब बेटियों को, मुझे लग रहा है कि जो हम इस ड्राफ्ट में महसूस कर रहे हैं कि ऐसा होगा, मुझे लग रहा है कि बेटियों को और ताकत मिलेगी। अब जो बहुविवाह प्रथा है शायद मुझे लगता है कि उसके ऊपर रोक लगे कि देश के अंदर एक जैसा कानून होगा तो लोग ज्यादा शादियां नहीं कर पाएंगे, और किसी का जीवन आप घर में बैठ के अलग से निर्णय ले लें वो नहीं हो पाएगा, उसके लिए आपको अनुमति लेनी पड़ेगी। तो उसके एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन मुझे लगता है जो विकसित भारत की तरफ होना चाहिए वो एक कॉम्बिनेशन होगा। मैं इसलिए युवा मुख्यमंत्री को पुनः बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि जल्द ये ड्राफ्ट कानून के रूप में देश प्रदेश के सामने आए, देश के सामने। नहीं, पूरा संत समाज हर्षित है और पूरा संत समाज स्वागत करता है। उत्तराखंड सरकार के जो में जो मुखिया हैं माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का, ऐसा साहस कभी कभी और कोई कोई करता है, और जो लोग इसमें कई लोगों को ये पसंद नहीं आ रहा है
कई लोग इसमें किसकी भी निंदा कर रहे हैं, और आप देखना जो आज निंदा कर रहे हैं कल वही इसका समर्थन करेंगे, क्योंकि ये सबके हित के लिए है, और जो सबके लिए हित के लिए है वो तो आना ही चाहिए। और हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने पहली प्रथम साहस दिखाया है, और धीरे धीरे यूसीसी का ड्राफ्ट जो सरकार ने पेश किया उसके लिए धामी सरकार को बहुत बहुत बधाई है, साधुओं का खूब खूब उनको आशीर्वाद है, क्योंकि वो यूसी जो विधेयक लाया जा रहा है उसकी जो कमेटी बनी थी यहाँ आकर के भी हरिद्वार में हम कुछ विशिष्ट संतों से परामर्श हुआ था। शत्रुघ्न सिंह जी जो पहले कैबिनेट सेक्रेटरी थे उसको सदस्य है, और एक महिला जो जज थी, तो ये एक अच्छा प्रयास है, समरसता समाज में आनी चाहिए। और जिस तरह से राज्य में आज जो हो रही है समान नागरिक संहिता का लागू होने जा रही है, ये भी एक पूरे भारतवर्ष के लिए एक मिसाल उत्पन्न होगी कि हर नागरिक भारत का एक ही कानून में बंधेगा। लोकसभा चुनाव नजदीक आते ही सभी राजनीतिक दल अपने अपने कुनबे को बढ़ाने का काम तेजी से करने लगे। जहां एक ओर बीजेपी लगातार कांग्रेस के पदाधिकारियों को मिलाकर अपने कुनबे को मजबूत करने का काम कर रही है, तो वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महरा के नेतृत्व में रिटायर्ड आईएएस अधिकारी सुरेश भंडारी ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किया है। आपको बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष करण महरा ने अपने प्रदेश कार्यालय में सुरेश भंडारी को कांग्रेस का पट्टा पहनाकर फूल मालाओं से स्वागत कर उनका जोरदार तरीके से कांग्रेस परिवार में अभिनंदन किया है। काफी लोग आ रहे हैं, हमारे कई रिटायर्ड आईएएस और वो लोग भी इंटरेस्टेड हैं, पढ़े लिखे लोग कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं, और जो अंकिता मर्डर केस के समर्थक है, जो केदारनाथ में सोनी के चोरी के समर्थक है, जो ट्रिपल एससी भर्ती घोटाले के समर्थक है, वो बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। देखिए बात ऐसी है, लोकतंत्र बड़े खतरे में, चूंकि अभी आप देखिए जितनी लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं हमारी वो सारी की सारी खतरे में, किसी आदमी को भी न सदन के अंदर और न बाहर बोलने दिया जा रहा है। ऐसी स्थिति में सारी जितनी हमारी एजेंसीज हैं 37 की 37 और तो मेरे ख्याल से 40 होगी या 45 होगी, पहले 37 थी, वो सारी की सारी जो आदमी बोलता है उसके पीछे लगा दी जाती है। प्रदेश को अपनी पहली महिला मुख्य न्यायाधीश मिल गई है। दरअसल पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की वरिष्ठ न्यायाधीश रितु बाहरी को उत्तराखंड उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद नियुक्ति की अधिसूचना जारी कर दी गई है। बता दें कि उच्चतम न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली कॉलेजियम ने उनके नाम की सिफारिश काफी समय पहले कर दी थी। उत्तराखंड के बीजेपी प्रभारी दुष्यंत गौतम के इंडिया गठबंधन पर दिए गए आपत्तिजनक बयान के बाद प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। इसी कड़ी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बोलावाली तिराहे पर प्रदर्शन किया है, साथ ही जमकर नारेबाजी भी की है। इस दौरान कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष ने कहा है कि दुष्यंत गौतम को अपनी जुबान को कंट्रोल में रखनी चाहिए। रामनगर के प्रसिद्ध गर्जिया देवी मंदिर के टीले की सुरक्षा का काम जल्द शुरू होने की उम्मीद है। बता दें कि बीते दिनों गर्जिया देवी मंदिर के कार्य को लेकर मंदिर के पुजारियों ने मुख्यमंत्री धामी से मुलाकात की थी, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने निर्माण कार्य जल्द ही शुरू कराने का आश्वासन भी दिया था। वहीं अब आगामी मानसून सीजन को देखते हुए मंदिर के टीले की सुरक्षा का कार्य 2 फेज में कराया जाएगा। इसमें पहले फेज में गिरजा देवी मंदिर के टीले की सुरक्षा के लिए सीसी ब्लॉक बनाए जाएंगे, क्योंकि विगत कई 10-12 सालों में यहाँ 4-5 मुख्यमंत्री आ चुके हैं तो काम नहीं हुआ। इस साल धामी भी आए थे और उन्होंने कई ऐसे कार्य प्रोजेक्ट तैयार किए, रात ही रात में यहाँ पे कई बड़े बड़े सम्मेलन हुए और कई जो महीनों सालों का काम था वो कई हफ्तों में बिना कोई कागज को उनके स्वीकृति के पूरे हो गए। तो हम भी चाह रहे थे कि मंदिर का काम, क्योंकि काफी दरारें इसमें आ चुकी हैं और श्रद्धालु दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं, और सबसे पहले सुरक्षा है। अगर मंदिर इतना दरारा होंगे तो फिर सुरक्षा हमें भी क्या लगा रहता है वहाँ बैठने में, या श्रद्धालु जो आते हैं कभी भी कोई दुर्घटना वहाँ पे हो सकती है। गर्जिया के लिए जो पूरा स्टैंड बनाया था वो लगभग 9 करोड़ 23 लाख का था, जिसके लिए जब उसे मिटिगेशन की बैठक में रखा गया तो उसकी मॉडल स्टडी प्रॉपर की जाए और उसके बाद ही सेंक्शन होगा, लेकिन ये बरसात को देखते हुए फिर उसको 2 टुकड़ों में कर दिया गया है, जिसमें प्रथम फेज में काम करके उस टीले को सुदृढ़ कर दिया जाएगा जो लगभग 5.80 करोड़ का है। अगर ये स्वीकृत हो जाता है तो टीले की सुरक्षा का कार्य शुरू कर दिया जाएगा।
उत्तराखंड में एक बार फिर मौसम के बदलने की संभावना है। बीते दिनों बारिश और बर्फबारी के बाद कल प्रदेश के कुछ इलाकों में थोड़ी खिली हुई धूप देखने को मिली है। वहीं एक बार फिर मौसम विभाग ने आज और कल के लिए प्रदेश भर में बारिश और बर्फबारी का अनुमान जताया है। मौसम विभाग के अनुसार शाम से कुछ पहाड़ी जिलों में बारिश बर्फबारी देखने को मिल सकती है, जबकि कल देहरादून, टिहरी, पौड़ी, हरिद्वार, अल्मोड़ा, नैनीताल, चंपावत के साथ साथ कई इलाकों में बारिश की संभावनाएं जताई गई है। नशे के खिलाफ नैनीताल पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। मामले में एसएसपी ने बताया है कि पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए 105 ग्राम स्मैक के साथ खटीमा के एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि पकड़ी गई स्मैक की कीमत 10 लाख रुपए से अधिक बताई जा रही है। पकड़ा गया तस्कर देहरादून में आईटीआई का छात्र बताया जा रहा है। एक ड्रग फ्री देवभूमि का जो अभियान है उसमें हमारी एसओजी की टीम और थाने की टीमें ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने का अभियान कर रही है जो बड़े लेवल पर स्मैक के कारोबार में लगे हुए हैं। इसी में एक जो अभियुक्त है इसका बार बार में नाम आ रहा था और जो हमारी टीम ने इसका सर्विलांस में पाया कि ये बाहर से हमने इसको 105 ग्राम स्मैक के साथ में गिरफ्तार किया है। थाना चोरीला क्षेत्र में गिरफ्तारी हुई है और ये अभियुक्त है, इसने प्रारंभिक रूप से देहरादून में किसी आईटीआई कॉलेज में पढ़ना बताया है, उसको हम वेरीफाई कर रहे हैं। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, नमस्कार।